हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने जो किया था गैमोस्पर्मी के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की थी। जो अब आपकी बुक में जो है, मैंने वो कल भी कहा था कि जो गैमोस्पर्मी है उसकी जो बेसिक टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं, वो टू टाइप्स हम जैसे बोल सकते हैं। उसके अलावा जो ये टाइप्स आपकी बुक में दी हैं, ये जो है अदर टाइप्स हैं। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो आपने क्या करना है, साथ में लिख मेंशन करना है कि ये जो तीन टाइप्स जो हैं ये बेसिक टाइप्स हैं, ट्रू टाइप्स हैं, और जो ये अगली हैं ये अदर टाइप्स ऑफ द गैमोस्पर्मी है। वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, एक एक डेफिनेशन ही आती हैं, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, पार्थिनोगैमी क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। नोट जो है वो बहुत कम चांस होते हैं इसके आने के, पर इन केस अगर आता है तो आपने इसी तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है पार्थिनोजेनेसिस। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट है सीड या फिर एम्ब्रियो की। कहाँ से डेवलपमेंट होती है, फ्रॉम अ फीमेल गैमेट विदाउट द फर्टिलाइजेशन। दैट मींस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है और फीमेल गैमेट से ही डायरेक्टली सीड या एम्ब्रियो है वो बन रहा है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है ग्रेप्स, अंगूर में आपने देखा होगा, अंगूर है जो उनमें इसी तरह से डिवेलपमेंट होती है। नेक्स्ट आता है पार्थिनोगैमी। पार्थिनोगैमी में क्या होता है, यूनियन ऑफ टू इनकम्पैटिबल गैमेट्स, दैट मींस फ्यूजन ऑफ टू फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, बेसिकली एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट की यूनियन होता है, फ्यूजन होता है दोनों का। लेकिन पार्थिनोगैमी में क्या होता है, दोनों ही फ्यूजन जो है वो दोनों ही फीमेल जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूज़न हो रहा है। अगर हम समझें इस तरह से इनको, ह्यूमन का एग्जांपल लेके, जैसे कि इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और होता क्या है, एक एग है और एक स्पर्म है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जायगोट बनता है। ठीक है, ऐसा होता है ना ह्यूमन्स में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, फ्यूज़न किसका हो रहा है, दोनों, मतलब एक एग समझ लो और एक एग समझ लो, इन दोनों का फ्यूज़न होकर जो है वो क्या बन रहा है, एक नया जो सीड है या हम एम्ब्रियो बोल सकते हैं उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ओके, इसे हम बोलते हैं पार्थिनोगैमी। देन आता है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या है, इन्वॉल्व्स है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट डायरेक्टली। दैट मींस जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट का क्या मतलब होता है और स्पोरोफाइट का क्या मतलब है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक फेस होते हैं, जो बहुत से प्लांट्स में, एल्गीज में देखने को हमें मिलते हैं। स्पोरोफाइट क्या होता है, टू एन नंबर होता है, और गैमेटोफाइट जो होता है वो एन इन नंबर होता है। ये डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है। तो जो गैमेट्स की डेवलपमेंट है वो कहाँ से हो रही है, स्पोरोफाइट से डायरेक्टली हो रही है। एपोगैमी क्या होता है, इसमें जो डेवलपमेंट है स्पोरोफाइट की फ्रॉम गैमेटोफाइट हो रही है विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, ये इससे उल्टा है। एपोस्पोरी में गैमेटोफाइट गैमेट्स बन रहे थे स्पोरोफाइट से, और वी कैन से स्पोर से, और एपोगैमी में क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट कहाँ से बन रहे हैं, गैमेटोफाइट से। दैट मीन्स जो स्पोर है वो गैमेट से बन रहे हैं। लास्ट जो टर्म है वो हमारी है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो है उसकी फॉर्मेशन होती है, किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल्स थे ना, वहीं से डायरेक्टली जो है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है डिप्लोस्पोरी में। एक बच्चे हमने जो करना है, आपके बुक में भी दिया है, ग्राफिकल लाइफ साइकिल दिया है एंजियोस्पर्मिंग प्लांट का, वो मैं आपको ग्राफिकली बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उससे क्या होगा, ये है फ्लावर्स, उसमें फ्लावर प्रेजेंट होंगे, एंजियोस्पर्म है, दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फ्लावर के आगे कार्पल आ गया और स्टेमन, दैट मीन्स फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है। हम सभी ने वैसे ये किया है, ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर रिवीजन हम कह सकते हैं। उसके बाद जो स्टेमन है और जो कार्पल है, दैट मीन्स जो मेल है और जो फीमेल है, ये क्या बनाएंगे, जो कार्पल है वो क्या बनाएगा, ओव्यूल, और जो स्टेमन है वहाँ से एंथर। ठीक है,
ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसे हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम और ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। फिर जो ओव्यूल है वहाँ से क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से मेगास्पोर, मदर सेल, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या होगा, एक बनेगा माइक्रोस्पोरो जीनस टिश्यू। आई होप हमने जब लास्ट टाइम ये स्ट्रक्चर हम कर रहे थे गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट के, उस टाइम हमने ये सारा किया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है और माइक्रोजीनस टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइक्रोजीनस टिश्यू, वहाँ से क्या निकलेंगे, यहाँ से मेगास्पोर मदर सेल निकले और यहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल निकलेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक जो है हमारा क्या है, एक स्पोरोफिटिक फेज चल रहा है, हम बोल सकते हैं स्पोरोफाइट, जो कि 2n इन नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे लगाई है लाइन ताकि इसे हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस साइड स्पोरोफाइट चल रहा है और इस साइड क्या चल रहा है, गैमेटोफाइट। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एपोस्पोरी हो रही है ना, दैट मीन्स देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एपोस्पोरी में डेवलपमेंट होती है गैमेटोफाइट की फ्रॉम द स्पोरोफाइट। और यहाँ पर भी देखो ये स्पोरोफाइट फेज चल रहा है, यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा, देखना गैमेट्स की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, जो मेगास्पोर मदर सेल्स थे वहाँ से मेगास्पोर, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे वहाँ से क्या बनेगा, पहले तो मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीज़न होगी, मियोसिस होगी, उसके बाद बनेंगे माइक्रोस्पोर जिसे हम बोलते हैं पॉलन, ठीक है। फिर जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, और जो पोलन है वो क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। फिर इन दोनों का क्या होगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उससे क्या निकलेगा, फीमेल गैमेट जिसे हम ऊस्फोर भी बोलते हैं, और इससे मेल गैमेट जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, ओके। फिर इन दोनों की जो है फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन को हम किस तरह की फर्टिलाइजेशन होगी बेटा, सिनगैमी, फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स उसे हम बोलते हैं सिनगैमी, और हम यहाँ लिख देंगे ये फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगी, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, दोबारा से एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है उसकी डेवलपमेंट होगी। ये एक बेसिक सा लाइफ साइकिल है, कि लाइफ से हमने ये पूरा पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ देखा है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं, फ्लावर क्या है, इन दोनों के जो मेल और फीमेल पार्ट किस तरह के हैं, अलग अलग हैं, इनके स्ट्रक्चर्स किए हैं हमने, उसकी डिवेलपमेंट की है, डिवेलपमेंट के बाद हमने इसकी फर्टिलाइजेशन की है, पॉलिनेशन की है, फिर जाइगोट बना एम्ब्रियो, और दोबारा से मतलब इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलता है। ये है स्पोरोफाइट और ये है गैमेटोफाइट, जो कि एन एन नंबर है, ये 2n नंबर है। स्पोरोफाइट मतलब स्पोर्स से ना, यहाँ स्पोर्स से डायरेक्टली गैमेट्स बन रहे हैं। ये एक बेसिक सा लाइफ साइकिल है, किसका लाइफ साइकिल है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। आप सब ने क्या करना है, ये जरूर अपनी बुक में भी आपकी है वैसे ऑलरेडी, ये आप सब ने अपनी एक नोटबुक पे बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, सो दैट आपका जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दैट इज़ ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आज ही आपका मैक्सिमम चैप्टर ख़त्म है, कल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।